उज्जैन में विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु बा महाकाल के दर्शन लाभ लेने पहुंच रहे हैं। इस दौरान दान स्वरूप चांदी और सोने की सामग्री भी भेंट कर रहे हैं। इसी के चलते एक भक्त ने मनोकामना पूरी होने पर भगवान महाकाल के दरबार में 56 भोग लगे भस्म आरती में मंदिर के पुजारी महेश गुरु ने जानकारी देते हुए बताया कि उक्त की मनोकामना पूरी होने पर आज 56 भोग लगाए गए। इस दौरान बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु ने महाकाल की भस्म आरती के बाद 56 भोग का भी दर्शन लाभ लिया। कार्तिक मास की 14 पे भगवान को अन्नकूट भोग होता है और श्रावण मास की पूर्णिमा पे 125 का भोग होता है। लेकिन आज भगवान भक्तों की जब मनोरथ पूर्ण कर देते हैं और मनोरथ के रूप में जो कोई भक्त कोई मानता कर लेता है, जिसको मानता बोलते हैं, जो भगवान के आके प्रार्थना करता है और भगवान उसकी मनोरथ पूर्ण कर देते हैं और महाकाल उनके ऊपर कृपा बरसाते हैं, तो फिर इस प्रकार से कोई व्यक्ति भगवान को 56 भोग लगाता है, कोई भक्त भगवान को चांदी या रजत के पात्र चढ़ाता है, कोई चांदी दान, कोई किस प्रकार से यहाँ पे सेवा देते हैं, ये भक्तों के ऊपर है और भक्त पे भगवान की कृपा बरसती है तभी ये सब सेवा होती है। उज्जैन की माधवनगर थाना क्षेत्र में एक और लाइव मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दो लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं। खास बात तो यह है कि पूर्व में भी कई बार माधवनगर थाना क्षेत्र के टावर अन्य इलाकों के वीडियो वायरल हुए हैं, जिसके बाद भी पुलिस के अधिकारी कर्मचारी अलर्ट नहीं है। पता चला है कि मैजिक चालक सोनू पर शाहरुख नामक युवक ने पूर्व में चाकू से हमला किया था, जिसमें वह गंभीर घायल हो गया था। घटना को अंजाम देने के बाद शाहरुख मौके से फरार हो गया था। इसके बाद आज सोनू को अचानक शाहरुख दिख गया, जिसके बाद सोनू ने शाहरुख के साथ जमकर मारपीट की। घटना पर सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए और वीडियो बनाते नजर आए। खास बात तो यह है कि राहगीरों ने पुलिस को सूचना की तो डायल 100 की गाड़ी वहां पहुंची, लेकिन उसमें पुलिस जवान मौजूद नहीं था। हालांकि कुछ देर बाद पुलिस के अधिकारी वहां पहुंचा और दोनों पक्ष को थाने ले जाया गया। मामले में कार्यवाही की जा रही है। उज्जैन के फ्रीगंज स्थित गोल्ड मोबाइल शॉप पर जीएसटी विभाग के अधिकारियों ने छापामार कार्रवाई की। जीएसटी की 6 सदस्यीय टीम मंगलवार को गोल्डन मोबाइल की दुकान पर पहुंची। पूरा मामला टैक्स चोरी का है। फ्रीगंज में संचालित होने वाले गोल्ड मोबाइल की दुकान पर जीएसटी की टीम पहुंचने पर हड़कंप मच गया। उज्जैन जीएसटी के 6 सदस्यों ने बिल सहित अन्य जरूरी दस्तावेजों की जांच की। दुकान के संचालक राजकुमार ने बताया कि किसी ने टैक्स चोरी और बिल नहीं बनाने की शिकायत की थी, जिसके चलते टीम आई है। हालांकि टीम ने मीडिया को छापे के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। वो गोल्ड मोबाइल है राजकुमार वाधवानी जी, और जो कि वो पूरा काम कच्चे उस पर करते हैं। जीएसटी कार्रवाई चल रही है, जीएसटी अधिकारी उनसे बात कर रहे थे, ये सारा कोई डिलीवरी नहीं देते हैं शायद। और केबल का भी उनका बिजनेस है, तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए मंथली की इनकम जो होती है वो बिना बिल पे होती है, कागज पे होती है। तो आज यहाँ पर कुछ कार्रवाई हुई है, हाँ, क्या कुछ? और जीएसटी काफ़ी सारे इंदौर से कोई आई थी टीम पूरी, और वो काफ़ी सारा सर जो बिल बुक और सब वो जो पड़े हुए थे कच्चा वो सब लेके गए हैं। लगभग कितनी सदस्य टीम आई होगी? 7-8 लोग की टीम थी करीब ये, और करीब 5-1 घंटे बता रहे थे यहाँ पे। मैं तो अभी जस्ट 1 घंटे पहले आया था तब मैंने देखा। उज्जैन की नीलगंगा पुलिस पर इंदौर के एक आरोपी को पकड़ने के दौरान हमला होने का मामला सामने आया है। दरअसल पूरा मामला इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र के प्रीमियम पार्क कॉलोनी का है, जहां आरोपी मोहित राजपूत को नीलगंगा पुलिस किसी मामले में इंदौर से पकड़ने गई थी। उसी दौरान आरोपी के भाई और रिश्तेदारों ने नीलगंगा थाना प्रभारी पर हमला कर दिया, जिसमें थाना प्रभारी की 3 उंगलियां फ्रैक्चर हो गई। थाना प्रभारी ने बताया कि कुछ दिन पहले
नीलगंगा थाना क्षेत्र में युवती के द्वारा बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या करने के मामले में पुलिस ने इंदौर में फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंची थी, जहां आरोपी के परिवारजन के द्वारा पुलिस के साथ अपराधिता की गई। हमारे थाने का एक अपराध क्रमांक है 394/2023। इसमें छठे महीने में जो अपने 13 मंजिल के नाम से बिल्डिंग जो फेमस है अवंतिका हॉस्पिटल सामने, इसमें छठे मंजिल से एक नवविवाहिता युवती द्वारा आत्महत्या की गई थी। इस संबंध में 304B का अपराध पंजीबद्ध होकर CSP माधवनगर मैडम द्वारा इसकी विवेचना की जा रही है। उनके द्वारा मुझे निर्देशित किया गया था इसमें एकमात्र आरोपी फरार जो बचा हुआ था उसकी गिरफ्तारी करने के लिए। तो हम लोग इसकी गिरफ्तारी के लिए इसके जो पिताजी का एड्रेस है प्रीमियम पार्क कॉलोनी, वहाँ गए। तो अपने घर में फरार आरोपी को शरण दे करके बैठ रखे हुए थे और दूसरी मंजिल पर सोता हुआ भाई के साथ में मिला। इसको लेकर के हम बाहर आ रहे थे तो अभद्रता की जाने लगी उनके परिवारजनों द्वारा, और उनके द्वारा बताया गया कि उनके वकील ने उन्हें बताया कि अग्रिम जमानत हो गई है, जबकि हमारे पास से ना कभी डायरी तलब हुई थी ना कभी ऐसी कोई हमें जानकारी प्राप्त हुई थी। तो ऐसी स्थिति में हमने उसको साथ में लेने की कोशिश की तो उन्होंने मेरा हाथ मोड़ा, इससे मेरे को उंगली में चोट भी आई और हाथापाई करने की कोशिश की, गाली गलौज करने की कोशिश की। हम उसको इस कारण उनकी इस त्रुटि के कारण हमने उनके संबंध में थाना बाणगंगा जाकर रिपोर्ट लिख कर आई, वहाँ अपनी पूरी कार्रवाई के उपरांत उसे यहाँ पर लेकर के आए।